वेलकम गाइस इन न्यू एजाइल। सो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं टूरिज्म इन एमपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमपी जीके का। और लगभग 40 से 45 दिन में हम पूरा का पूरा एमपी जीके के जो लेक्चर्स हैं आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उनके लिए हम ये लेके आए हैं रेफरेंस बुक जो हम लोग यूज कर रहे हैं मुकेश महेश्वरी की है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर्स के बारे में थोड़ी सी बात की, रीसेंट ट्रेंड पे आधारित है ये जो आपका टॉपिक है टूरिज्म इन एमपी। सिलेबस तो सेम है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बढ़ गई है, डाइवर्स हो गया है और प्री मतलब एक अपने आप में अच्छा खासा हर्डल बन गया है। तो थोड़ा सा एनालाइज करना है और प्रॉपर सही तरीके से रणनीति बना के आपको फॉलो करना है। इन लेक्चर्स को आपको 2 से 3 बार देखना है, 1.5x 2x की स्पीड में आप देखिए। सेम सोर्स को 2 से 3 बार जब आप फॉलो करेंगे तो बेनिफिट मिलता है। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहले आता है कि टूरिज्म पॉलिसी ऑफ एमपी। तो कौन कौन सी पॉलिसी आई है और कब कब से ये शुरू हुई थी, ये क्वेश्चन आपका बनता है। पहला है आपका फर्स्ट टूरिज्म पॉलिसी, ये आपका 1995 में आया है और इको एंड एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी 2000 में आपकी आई हुई है। हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी 2002, सेकेंड टूरिज्म पॉलिसी 2010, 2016 से आपका लेटेस्ट टूरिज्म पॉलिसी यहाँ पर लागू की गई है। चलिए फैसिलिटी सेंटर ऑन द रूट पॉलिसी 2017 से और वाटर टूरिज्म पॉलिसी 2017 से एमपी पे चल रही है। तो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, याद क्या रखना आपको, फर्स्ट टूरिज्म पॉलिसी, सेकंड टूरिज्म पॉलिसी 1995 2010 और लेटेस्ट वाली 2016 वाली है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टूरिज्म कैबिनेट। तो जो मत जो एमपी का टूरिज्म कैबिनेट है वो 2016 बना गया है और ये आपका फर्स्ट स्टेट है जो कि टूरिज्म कैबिनेट बनाया है 2016 में। स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी जो ये जो इस्टेब्लिश हुआ है वो आपका 1978 में हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म साइट ऑफ द स्टेट, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म एक्टिविटीज। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है किसका, स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। आगे देखिए एमपी इको टूरिज्म बोर्ड, इसको 12 जुलाई 2005 को बनाया गया है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इसका फंक्शन होता है कि प्रमोट करे इको फ्रेंडली टूरिज्म इन द स्टेट। और बोर्ड हैज शेड्यूल्ड 144 एरियाज इंक्लूडिंग 99 इंटरटेनमेंट साइट्स एंड 13 वाइल्ड लाइफ टेरिटरीज एज इको टूरिज्म साइट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, देखिए 13 वाइल्ड लाइफ टेरिटरी इको टूरिज्म साइट की तरीके से शामिल की गई हैं और आपका 144 शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, जिसमें 99 इंटरटेनमेंट साइट्स भी हैं। एमपी टूरिज्म बोर्ड की बात करें तो ये आपका 22 फेब 2017 को बनाया गया। उस समय चेयरमैन आपके कौन हुआ करते थे, हमारे शिवराज सिंह चौहान जो अपने यहाँ के सीएम हैं। मैनी टूरिज्म एक्टिविटीज लाइक टूरिज्म प्रमोशन यूनिट, पब्लिसिटी प्लानिंग, एडवेंचरस टूरिज्म आर नॉट हैंडेड ओवर टू दिस बोर्ड फ्रॉम टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो ये सारा का सारा जो बातें भी बोली गई ये टूरिज्म कॉरपोरेशन के पास है, ये इनको नहीं दिया गया है, किसको, एमपी टूरिज्म बोर्ड को। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल सेटअप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट चेयर्ड बाई मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के द्वारा ये चेयर की जाती है। ऑब्जेक्टिव देखिए लोकल एंड वीकेंड टूरिज्म टू बी प्रमोटेड, कल्चरल एंड टूरिज्म फेयर्स टू बी ऑर्गेनाइज, मतलब मेले वेले लगाए जाएंगे, कल्चरल आपका टूरिज्म फेयर्स वहाँ पे किए जाएंगे और लोकल टूरिज्म साइट टू बी डेवलप्ड विथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। 2016 में आपकी टूरिस्ट पॉलिसी आती है, इसको 5 ईयर के लिए इशू किया गया था और इसमें अमेंडमेंट 2018 में हुआ। एमपी टूरिस्ट बोर्ड टू सेट अप टू इनवाइट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या किया जाएगा, यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा और डेवलप किया जाएगा टूरिज्म सेक्टर को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और लैंड बैंक टू सेटअप फॉर टूरिज्म प्रोजेक्ट्स एट वेरियस साइट्स, टूरिज्म इज असाइंड द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रीज, इसको एक इंडस्ट्री जैसा स्टेटस दिया जाएगा ताकि मोर बहुत ज़्यादा आपकी जो इकॉनमी है टूरिज्म के थ्रू बढ़ पाए स्टेट की। टूरिस्ट पॉलिसी 2016 जो कि अमेंडमेंट इसका हुआ 2019 में, टू मेक पॉलिसी फॉर मोर एफिशिएंट प्रैक्टिकल एंड सुटेबल फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वही कि प्राइवेट जो कैपिटल उसको लाना है ज़्यादा से ज़्यादा। एमपी टूरिज्म बोर्ड विल इंकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वे साइड एमिनिटीज, कीपिंग इन माइंड रोड नेटवर्क एंड फैसिलिटीज फॉर पैसेंजर्स टू प्रोवाइड जॉब्स टू लोकल यूथ इन टूरिज्म सेक्टर। ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं, आपसे पूछ सकता है ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में, तो उसके लिए आपको याद रखना है। बाकी एयर कनेक्टिविटी पिछले बार भी अभी हमने डिस्कस किया था, सेम चीज़। प्रमोशन ऑफ सीनिक लोकेशंस, हेरिटेज होटल्स और फॉरेस्ट एरियाज टू प्रोवाइड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज टू विजिटर्स।
ये आपकी कुछ टूरिज्म पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फिर देखिए आप वाटर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2017, इसको लॉन्च किया गया था 28 फरवरी 2017 को। इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट वाटर स्पोर्ट्स इन द स्टेट, वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। आगे देखिए फैसिलिटी सेंटर ऑन द रूट पॉलिसी 2017, तो इसके बारे में आप बताओगे। 2017 से इसको लॉन्च किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ गुड क्वालिटी ऑन द रूट ऑफ टूरिस्ट साइट। ब्राउन फील्ड मॉडल अंडर द मॉडल 52 न्यू रूट फैसिलिटीज सेंटर आर सेटअप। तो इंपॉर्टेंट है आपका 52 यहाँ पे कि 52 नए रूट फैसिलिटी सेंटर बनाए गए हैं टूरिस्ट साइट्स ऑफ एमपी। तो आप बताओगे टोटल मार्क यहाँ पे कितनी है, 382। साइट्स ऑफ इंटरनेशनल फेम कितनी है यहाँ, 20। और साइट विथ हाइजेस्ट विजिटर्स है खजुराहो। टोटल साइट्स ऑफ एमपी अंडर नेशनल 17 टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम कितनी है, 17 है। चलिए आगे देखते हैं प्लेसेस टू विजिट। भैया अगर आप आते हो एमपी तो कौन कौन से कहाँ कहाँ आप विजिट कर सकते हो ये देखते हैं। देखिए देयर आर 12 गेटवेज जिसको हम लोग पारकोटा बोलते हैं इन द फोर्ट ऑफ मांडू नेम्ड एज, तो मांडू के किले में आपके मांडू के फोर्ट में 12 गेटवेज हैं जिसको हम लोग पारकोटा बोलते हैं। कौन कौन से देखिए, रामपोल तारापुर दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, दिल्ली दरवाजा ETC। इन एडिशन हियर आर जहाज महल मांडू में ही, हिंडोला पैलेस, टॉम्ब ऑफ होसंग शाह, जामा मस्जिद, अशरफी पैलेस, रीवा कुंड, रूपमती मंडप, नीलकंठ महल, हाथी महल एंड लोहानी केव्स। तो ये आपको याद रखना है मांडू के फोर्ट के बारे में। बारूद की बात करें तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसे बनवाया किसने था बताओगे, अशोका ने इसे बिल्ड किया। और बुद्धिस्ट स्तूप इसको जो डिस्कवर किया था वो थे आपके कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम, कब, 1854, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ना ऐसा वाला डिपार्टमेंट वाला। चलिए आगे देखिए सांची की बात करें तो रायसेन में सिचुएटेड है और 45 किलोमीटर दूर है भोपाल से। द एंशियंट नेम ऑफ सांचीवाज काकान्या बुद्धा श्री पर्वत, इट इज़ द सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। देर इज अ लार्ज स्तूपा, यहाँ पे एक स्तूपा पाया जाता है एंड सिंगल पिलर इंस्क्रिप्शन इन सांची विच आर बिल्ड बाई रूलर अशोका ऑफ मौर्यन डायनेस्टी फॉर हर वाइफ महादेवी, महादेवी की याद में इन्होंने बनाया हुआ था। इन सुंग एरा सांची स्तूपा इज नॉट ओनली द बिगेस्ट स्तूपा बट ऑल्सो अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर बुद्धिस्ट एज द बेन ऑफ सारी पुत्र मोगलायन आर प्लेस्ड अंडर दिस स्तूपा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है सारी पुत्रा मुगलायन के बारे में याद रखिएगा कि संबंधित है आपको कहाँ से, आप बता दोगे रायसेन में जो स्थित है आपका सांची स्तूप। वन इंस्क्रिप्शन अबाउट द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इज आल्सो स्टूड हियर। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं उनके बारे में भी यहाँ पे लिखा मिला हुआ है। इन 2012 बुद्धा यूनिवर्सिटी वाज सेटअप इन सांची, सांची में बुद्धा यूनिवर्सिटी भी सेटअप की गई। देयर आर 3 स्तूपा इन सांची विच आर कॉल्ड स्तूपा 1, स्तूपा 2 एंड स्तूपा 3 रिस्पेक्टिवली। स्तूपा 1 बिलोंग टू द मॉडर्न पीरियड, स्तूपा 1 मॉडर्न पीरियड का है एंड स्तूपा 2 एंड स्तूपा 3 आर रिलेटेड टू पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ये आपके उत्तर मौर्य काल मतलब कि मौर्यों के बाद का माना जाता है स्तूपा 2 एंड स्तूपा 3 को। सांची हैज अदर मॉन्यूमेंट्स, यहाँ पे कुछ और भी मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि अशोका पिलर, फिर आपका चैतीगिरी टेम्पल, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एंड गुप्ता टेम्पल। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं। भिलसा का जो एंशियंट नाम तो वो भिलसा था और इसे बेसनगर भी बोलते थे, इंपॉर्टेंट है पूछा गया है। और इसे कुछ और नामों से जाना जाता है जैसे कि आपका महामालिस्तान और मेवासा। अशोका ने यहाँ पे विजिट किया था और आपको पता होगा जो अशोका की वाइफ थी उनका नाम था महादेवी, वो बिरसा को बिलोंग करती थी। तो अशोक से रिलेटेड महादेवी का नाम आपको याद रखना है। और इसका जो पुराने नाम थे कौन कौन से, बेसनगर, भेलसा और मेवासा, और एक और एक नाम जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका महामालिस्तान, ये आपको याद रखना है। ग्रीक रूलर ने यहाँ पे हेलियोडोरस को भेजा था, तो हेलियोडोरस यहाँ पे आया हुआ था सुंग रूलर अग्निमित्रा के कोर्ट में, तो ये भी आपको याद रखना है। और उसने यहाँ पे गरुड़ स्तंभ जिसको पिलर बोलते हैं इंग्लिश में, ये बनवाया था सिंबल सा। चलिए आगे देखिए, तो हेलियोडोरस कहाँ आया था और जो गरुड़ आपका स्तूपा है या तो पिलर, गरुड़ जो पिलर है आपका स्तंभ, ये यहीं पे स्थित है बेसनगर में बोलते हैं विदिशा में। चलिए आगे देखिए, एक और यहाँ पे आपको पिलर पाया जाता है जिसका नाम है खंभा बाबा। तो खंभा बाबा भी कहाँ पर मिलेगा बताओगे, विदिशा में।
इतना आपको याद रखना है। फिर टूरिस्ट साइट्स अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पे आपको मिलेगा लोहांगी शिला, गुंबज, बीजा मंडल, सम्राट अशोक सागर, इसी को हलाली सागर डैम बोलते हैं। तो ये विदिशा की टूरिस्ट साइट्स हो गई। अब बात कर ली ग्वालियर को देखते हैं। ग्वालियर इट इज़ नेम्ड आफ्टर ऋषि गालो जहांगीर इम्प्रिजेंट द सिक्स गुरु हरगोविंद सिंह इन द फोर्ट ऑफ ग्वालियर। दिस फोर्ट इज नोन एज द जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या दिखी मिली आपको कि जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट किसको बोलते हैं आप बताओगे? ग्वालियर। और सिक्स गुरु जो थे आपकी हरगोविंद सिंह, उसको ग्वालियर के फोर्ट में ही किसने जहांगीर ने प्रेजेंट किया था। सिंपल सा। चलिए प्लेसेस आपको कौन कौन से मिलेंगे वहाँ पे विजिट करने के वो भी देख लेते हैं। तो ग्वालियर का फोर्ट मिलेगा, गुजरी महल, बिल्ट बाई राजा मान सिंह, मान मंदिर, सूरज कुंड, तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर, जय विलास पैलेस, स्टैचू ऑफ रानी लक्ष्मीबाई म्यूजियम, टॉम्ब ऑफ तानसेन, और आपको मिलेगा यहाँ पे नगर पालिका म्यूजियम, जू गुरुद्वारा और सन टेम्पल। सन टेम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सन टेम्पल ये गुजरात, ये आपका ग्वालियर में ही पाया जाता है। और भी दो दो सन टेम्पल पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से हैं वो। फिर आप देखते हैं हम लोग भोपाल। अच्छा करना क्या है आपको, हम जो बता रहे हैं सिंपल सा, आप एक ऐसा चार्ट बनाइए और उसमें बस नाम लिखिए आप यहाँ पे, जैसे आपको मिला सांची, फिर आप ग्वालियर, बस कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और कुछ जो शासकों के नाम आ रहे हैं वो आप लिख लीजिए बस, और कुछ नहीं। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए, उसी को बार बार रिवाइज करिए, फिर प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की बस। भोपाल देखते हैं, राजा भोज यहीं से आप बिलोंग करते थे। तो राजा भोज ऑफ परमार डायनेस्टी बिलोंग टू भोपाल डायनेस्टी। इट वॉज लेटर नेम्ड एज भोपाल। इट इज सिचुएटेड ओवर द फाइव हिल्स। तो फाइव हिल्स में कौन सा आपका शहर बसा हुआ है? तो आप बताओगे भोपाल। देयर आर टू लेक्स। कौन कौन सी फेमस साइट्स ऑफ भोपाल अगर देखें हम लोग, तो ताजुल मस्जिद, जामा मस्जिद, साकेत महल, भारत भवन, बिरला टेम्पल, इंदिरा गांधी म्यूजियम और वन विहार। इंदिरा गांधी म्यूजियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और वन विहार के बारे में, ये सेकेंड स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, कहाँ स्थित है बता दोगे आप? भोपाल में। चलिए अब हम लोग देखते हैं ओरछा। ओरछा भी इंपॉर्टेंट है आपका। ओरछा में आप बताओगे कि 16वीं सेंचुरी में बुंदेला रूलर्स ने इसको बनवाया था। फेमस साइट्स की बात करें तो यहाँ पे शहीद स्मारक, जहांगीर महल, हरदौल पैलेस, सुंदर महल, रे प्रवीण महल, फूल बाग और चैत्या बुंदेला किंग, ये साइट्स मिलेंगी आपको ओरछा में। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर सिचुएटेड इन द विदिशा डिस्ट्रिक्ट इज़ वेल नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर। उदयपुर कहाँ पे है? विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है, अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। देयर इज़ द स्टैचू ऑफ वराह मिहिर इन वन ऑफ द केव्स ऑफ उदयपुर। उदयपुर की केव्स में वराह मिहिर का स्टैचू पाया जाता है। फिर आप बताओ कि बीजा महल, सादी मस्जिद और पिसानहारी टेम्पल, ये आपका मिलता है उदयपुर में। फिर देखते हैं मेजर फोर्ट्स ऑफ एमपी। फोर्ट्स में देखते हैं तो ग्वालियर फोर्ट नोन एज द जेम ऑफ फोर्ट। सो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि द जेम ऑफ फोर्ट किसको बोलते हैं? तो आप बता दोगे ग्वालियर। देखिए इट इज आल्सो नोन एज जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट, बिल्ट बाई किंग सूरज सेन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ग्वालियर का फोर्ट किसने बनवाया? तो बता दोगे सूरज सेन। जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट किसको बोलते हैं? आप बताओगे ग्वालियर के फोर्ट को। ऑन द मेमोरी ऑफ ऋषि सेंट गालो। सेंट गालो भी हमने देखा था ग्वालियर के बारे में। तो ऋषि गालो को का नाम आप याद रखिएगा ग्वालियर के नाम के लिए, और सूरज सेन जो इसको इस्टेब्लिश किए थे। इट इज़ सिचुएटेड इन द गोपाचल पर्वत। गोपाचल पर्वत में ये स्थित है आपका, कौन सा? ग्वालियर फोर्ट। आगे देखिए नरसिंहगढ़ फोर्ट। नरसिंहगढ़ फोर्ट के बारे में बताओगे कि आल्सो नोन एज कश्मीर मालवा, सिचुएटेड इन राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। नरसिंह फोर्ट कहाँ पे है? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। फिर मांडू फोर्ट, देयर इज अ लार्ज परकोटा इन दिस फोर्ट। हमने देखा था 12 परकोटा पाए जा रहे थे इसमें, 12 डोर से इसी को परकोटा बोलते हैं। चलिए फिर आगे देखिए पूरन महल। पूरन महल फोर्ट बताओगे आप, सिचुएटेड इन रायसेन, टू विच शेरशाह वॉज नॉट एबल टू कैप्चर इवन आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स। इट इज ओरिजिनली बिल्ट बाई राजा रस बसंती के दौरान इनको बनाया गया था। इसको पूरन महल को, और यहाँ पे है कहाँ बता दोगे आप? रायसेन में शेरशाह अटैक किए थे लेकिन इसको कैप्चर नहीं कर पाए थे। रस बसंती इंपॉर्टेंट है, रस बसंती। चलिए फिर आपका आता है आसिरगढ़ फोर्ट, आल्सो नोन एज गेटवे ऑफ साउथ, सिचुएटेड इन बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। दिस फोर्ट इज रिलेटेड टू द डेथ ऑफ मुमताज। तो आपसे पूछता है कि मुमताज की डेथ कहाँ पे हुई थी? आप बताओगे असीरगढ़। और इसके बारे में जो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये है आपका कि इट इज आल्सो नोन एज गेटवे ऑफ साउथ। अजयगढ़ फोर्ट, अ लार्ज एंड स्ट्रांग फोर्ट बिल्ट बाई राजा अजयपाल नियर पन्ना।
अजयगढ़ फोर्ट कहाँ पे है, पन्ना में है, और गिरनौरगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम भोपाल विच वॉज बिल्ट बाई उदय वर्धन। तो गिन्नौरगढ़ जो फोर्ट है वो कहाँ पे है, 60 किलोमीटर भोपाल से, और बनाया कौन था तो बताओगे उदय वर्धन। फिर चंदेरी फोर्ट, चंदेरी ऑफ अशोक नगर इज फेमस बोथ फॉर इट्स साड़ी फैब्रिक एंड फोर्ट टू। तो चंदेरी में साड़ियाँ जो हैं आपकी और फोर्ट दोनों के दोनों फेमस हैं। इट वॉज बिल्ट बाई राजा कीर्तिपाल इन 11th सेंचुरी। तो चंदेरी का फोर्ट राजा कीर्तिपाल बनाए थे, आपको ये याद रखना है। बांधवगढ़ फोर्ट सिचुएटेड इन द इन फॉरेस्ट ऑफ बांधवगढ़ इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट, इट हैज मेंशन इन रामायण शिव पुराण। तो ऐसे पूछ सकता है कि रामायण और शिव पुराण में कौन सा फोर्स, कौन सा जो फोर्ट है वो आपका मेंशन किया गया, तो आप बता दोगे कि है शिव पुराण और रामायण। ओरछा फोर्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ बेतवा रिवर रिफ्लेक्ट्स द स्टोरी ऑफ वेल्लोर ऑफ बुंदेला किंग्स ऑफ ओरछा। इट इज़ नियर झांसी, झांसी के पास में पाया जाता है। चलिए फिर देखिए आगे, दतिया फोर्ट बुल्ट बाई बुंदेला किंग वीर सिंह देव और नरेश भवानी सिंह, कार्ड ऑन द गेट ऑफ द फोर्ट दैट जस्टिस इज द गेम ऑफ द क्राउन। तो इंपॉर्टेंट पूछेगा जस्टिस इज द गेम ऑफ द क्राउन, ये कहाँ पर लिखा हुआ, तो बताओगे दतिया के फोर्ट में, ठीक है। और कौन बनाया था इसको, तो बुंदेला किंग वीर सिंह देव। देयर आर 7 and 2 stories अपर एंड बेसमेंट पार्ट ऑफ द सतखंडा पैलेस। तो यहीं पे आपको सतखंडा पैलेस पाया जाता है, इसमें 7 और 2 stories अपर स्टोरीज और बेसमेंट पाया जाता है। फिर देखिए आप कान्हरगढ़ फोर्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सिंधु इन दतिया डिस्ट्रिक्ट। तो जो आपका कान्हरगढ़ फोर्ट है ये भी बैंक ऑफ बैंक ऑफ रिवर सिंधु में पाया जाता है, और कहाँ पे दतिया में है। हिंगलाजगढ़ फोर्ट सो इट इज़ सिचुएटेड इन नवाली विलेज नियर भानपुरा तहसील मंदसौर एंड इट वॉज अ एक्सलेंस सेंटर फॉर क्राफ्टमैनशिप फॉर अबाउट 800 years, ये आपको याद रखना है। फिर देवगढ़ फोर्ट के बारे में देखिए आप, ये 24 miles साउथ वेस्ट छिंदवाड़ा में सिचुएटेड है। यहाँ पे आपके गोंड किंगडम पाए जाते थे और उनमें जो हीरोइक काम किया था वो थे जतवा, इनको फाउंडर भी बोला जाता है गोंड डायनेस्टी का। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि द फोर्ट्स ऑफ पतंगसोंगी एंड नागरधन इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट आर एट्रीब्यूटेड टू दिस गोंड राजा, कौन, जादवा। इन लेट 17th century प्रिंस भक्त बुलंद वेंट टू दिल्ली वेयर ही इंटर्ड द सर्विसेज ऑफ द मुगल एम्पायर औरंगजेब। तो औरंगजेब की सर्विस में लगा हुआ था, ये आपको याद रखना है। फोर्ट ऑफ मगदई ये हरदा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और ये किसके द्वारा बनवाया गया आपको ये भी याद रखना है। तो इसको बारे में आप याद रखोगे कि मकरंद शाह बनवाए थे मगदई के फोर्ट को। और जादूगर मलान महल इज लोकेटेड वेरी नियर टू दिस फोर्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर सिवानी। फोर्ट ऑफ संबलगढ़ के बारे में आप क्या बताओगे कि इस मुरैना में है, और गोपी सिंह ऑफ यादव डायनेस्टी हैज बिल्ट दिस फोर्ट। नवल सिंह हवेली इज सिचुएटेड इनसाइड द फोर्ट। तो नवल सिंह हवेली भी आपके संबलगढ़ के फोर्ट में ही पाई जाती है। फोर्ट ऑफ मंदौर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सिवना बिल्ट बाई अलाउद्दीन खिलजी 1299। इनसाइड द फोर्ट देयर आर मैनी स्टैचू ऑफ डीटीज एंड तापेश्वर शिव टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट, तापेश्वर शिव मंडल आप शिव जो आपका टेम्पल है वो मंदौर में ही स्थित है। फिर देखिए आप कुशलगढ़ फोर्ट सिचुएटेड इन कुशलगढ़ मोह डिस्ट्रिक्ट इंदौर। क्या यहाँ से भीम बाबा साहब का भी कोई संपर्क था, आपको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताना है कि भीमराव अम्बेडकर का मोह से क्या संबंध था। फोर्ट ऑफ धार इनिशियली कंस्ट्रक्टेड बाई राजा भोज एंड देयर आफ्टर रिबिल्ट बाई मोहम्मद बिन तुगलक 1344 AD। इट इज बिल्ट अंडर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल। मदर गॉडेस कालका टेम्पल, खारबूजा टेम्पल, मौसोलियम ऑफ अब्दुल शाह जंगेज आर सिचुएटेड इनसाइड द फोर्ट। फोर्ट ऑफ धार का फोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। फोर्ट ऑफ गिन्नौरगढ़ बिल्ट बाई उदय वर्मन इन 13th century। दोस्त मोहम्मद कैप्चर्ड द फोर्ट फ्रॉम लास्ट गोंड किंग कमालपति। एरिया इज नोन एज सुख क्षेत्र ड्यू टू लार्ज स्ट्रेंथ ऑफ पैरट्स अवेलेबल हियर। बहुत ज़्यादा पैरेट कहाँ पाए जाते हैं आप बताओगे गिन्नौरगढ़ के किले में। फोर्ट ऑफ कुटवार बिल्ट बाई राणा छत्रपति इन 18th century लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ असन
डिस्ट्रिक्ट मोरेना। अदर फोर्ट्स की बात करें तो नरवर फोर्ट शिवपुरी बिल्ट बाय किंग नाल एंड टू फोर्ट्स ऑफ अटे गोहड़ इन भिंड। चलिए शाही किला, शाही किला के बारे में आप बताओगे। शाही किला इज सिचुएटेड ईस्ट ऑफ द तापी रिवर, ऑल दो मोस्ट ऑफ इट हैज नाउ बिकम रुइंस। इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट बाई फरूकी रूलर्स एंड वॉज द रेसिडेंट ऑफ शाहजहां, ही वॉज द गवर्नर ऑफ बुरहानपुर। शाही किला के बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मेजर प्लेसेस ऑफ एमपी देखते हैं। ग्वालियर प्लेस हमने देख लिया है अभी पूरा का पूरा, क्या क्या पाया जाता है वहाँ पे, गुजरी महल, ये सारी चीज़ें। और जीवा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो ग्वालियर प्लेस था ये रेसिडेंस था किसका, जीवाजीराव सिंधिया का, ठीक है। और बनवाया कौन था और वहाँ से वहाँ पे गुजरी महल क्या क्या है, आप सब कुछ बताना है आपको, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए शौकत महल एंड सदर मंजिल, इट वॉज डिजाइंड बाई द फ्रेंच मैन सेट टू बी डिसेंडेंट ऑफ एन ऑफ सूट ऑफ द बॉर्बन किंग्स ऑफ फ्रांस। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बॉर्बन किंग कहाँ साइड से या क्या कैसे संबंधित है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में भी बतानी है। तो अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो बताइएगा, इसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो बना देंगे। नियर बाई इज द एलिगेंट वंस पॉपुलेंट सदर मंजिल, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस ऑफ द फॉर्मर रूलर ऑफ भोपाल। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है सदर मंजिल के बारे में, वहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, सिचुएटेड है, ठीक है। आगे देखिए प्लेस पैलेस ऑफ मांडू, मांडू इज नोन एज द सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय किसको बोलते हैं, मांडू को, विच इज फेमस फॉर पैलेस ऑफ रानी रूपमती। तो रानी रूपमती संबंधित हैं कहाँ से आप बताओगे, पैलेस ऑफ मांडू से। एंड हिज बिलव्ड बाज बहादुर, तो रानी रूपमती का बिलव्ड कौन था, राजबहादुर, कहाँ से ये रिलेटेड हैं तो आप बताओगे पैलेस ऑफ मांडू। अदर देन हिज हिंडोला महल, खरबूजा महल, अशरफी ढाई का महल, इटीसी, सारी सारी चीज़ें आपके मांडू के पैलेस में ही पाई जाती हैं। नीलकंठ महल इज लोकेटेड नियर द टेम्पल, दिस पैलेस वॉज बिल्ट बाई अकबर ऑन द साइट ऑफ श्राइन ऑफ शिवा फॉर हिज हिंदू वाइफ। रीवाकुंड इज लोकेटेड इन मांडू, रीवाकुंड इज आल्सो आर्टिफिशियल, इट इज आल्सो अ आर्टिफिशियल लेक एंड दैट बाज बहादुर बिल्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर वाटर सप्लाई टू रूपमतीज पवेलियन। तो आप ये बताओगे जो रीवा कुंड था कौन बनवाया था, आर्टिफिशियल लेक है और ये बाज बहादुर ने बनवाया था ताकि रूपमती के यहाँ तक पानी सही से जा पाए, ठीक है। फिर देखिए खरबूजा पैलेस, देयर आर टू खरबूजा पैलेसेस इन एमपी, ईच इन धार एंड मांडू, तो एक धार में एक मांडू में। द टोम ऑफ बेगम बिल्कुस इन बुरहानपुर इज ऑल्सो कॉल्ड एज खरबूजा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, कौन सा कि बिल्कुस बेगम की जो टोम है उसको भी हम लोग खरबूजा बोलते हैं। फिर देखिए कमलापति पैलेस, कमलापति पैलेस इज लोकेटेड इन भोपाल, दिस पैलेस स्टार्टेड टू बी बिल्ट इन द अर्ली 18th सेंचुरी, इट वॉज बिल्ट बाई रानी कमलापति, हैंस इट वॉज नेम्ड कमलापति पैलेस एंड द ब्यूटिफुल व्यू ऑफ बोथ लेक्स कैन बी सीन फ्रॉम दिस पैलेस बिल्ट इन द ईयर 1722। दिस पैलेस ऑफर्स अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ परमार आर्किटेक्चर, तो ये परमार आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कौन, कमलापति पैलेस, कहाँ पे स्थित है आप बताओगे, भोपाल में, और 1722 ये जो ईयर है आपका इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ के देखिए कोसक महल, कोसक महल नियर टू चंदेरी, चंदेरी सिटी के पास में कोसक महल, वाज बिल्ट इन 1445 बाई महमूद खिलजी ऑफ मालवा। दिस पैलेस इज डिवाइडेड इंटू फोर इक्वल पार्ट्स, इसको फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वाई चंदेरी फोर्ट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट अट्रैक्शन ऑफ चंदेरी, और वहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट जो अट्रैक्शन का केंद्र है वो है आपका चंदेरी फोर्ट। फिर आप देखिए सदर पैलेस, सदर पैलेस इज सिचुएटेड इन ओरछा, अ हिस्टोरिकल टाउन एंड टूरिस्ट प्लेस इन टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो सदर पैलेस डिस्ट्रिक्ट कौन सी आप बता दोगे, टीकमगढ़ ओरछा में स्थित है, ठीक है। फिर आप बताओगे दस सदर पैलेस, हाँ द सदर पैलेस इज ऑफन रिगार्डेड एज पैलेस ऑफ लव, इट वॉज बिल्ट इन अ मेमोरी ऑफ डीप लव ऑफ हिंदू प्रिंस ध्रुव भजन एंड हिज मुस्लिम बिलव्ड। प्रिंस ध्रुव भजन वॉज द सन ऑफ किंग जुझार सिंह, आफ्टर द डेथ ऑफ ध्रुव भजन फिर है आपका सदर पैलेस, सदर पैलेस के बारे में आपको याद रखना है कि ये दो जो प्रेमी जोड़े थे उनकी याद पे बनाया गया, तो लव स्टोरी से रिलेटेड है और ओरछा टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है।
ठीक है, आगे देखिए पैलेस ऑफ रायसेन फोर्ट। तो आप बताओगे कि टू हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट पैलेसेस ऑफ रायसेन आर पैलेस ऑफ राजा रोहित एंड बादल पैलेस या बादल पैलेस, बस तो राजा रोहित और बादल पैलेस। अच्छा राजा दो बोथ विच आर बिल्ट बाई राजा रस बसंती। इत्तरदार पैलेस इज ऑल्सो क्वाइट फेमस, इत्तरदार पैलेस भी आपका रायसेन फोर्ट में ही पाया जाता है। चंदेरी फोर्ट एंड पैलेसेस, तो यहाँ आप बताओगे कि नौखंडा महल, हवा महल वाज बिल्ट बाई राजा कीर्तिपाल इन 11th सेंचुरी, ये भी चंदेरी के फोर्ट में ही पाए जाते हैं। मंडला में दो पैलेस आपके पाए जाते हैं, मोती महल सिचुएटेड इन इन डांस फोर्ट, डेंस फोर्ट ऑफ रामनगर बिल्ट बाई राजा हृदय शाह, मोती महल मंडला में। और दूसरा है आपका बघेलिन महल नियर द बैंक्स ऑफ नर्मदा इन मंडला। तो ये दो महल आपके कहाँ मिलेंगे आपको, सिंपल से मंडला में। अदर पैलेसेस की बात करें तो मैडम मदन महल इज एन एग्जाम्पल ऑफ गोंड आर्किटेक्चर बिल्ट बाई राजा मदन शाह ऑफ जबलपुर, वहाँ पे एक स्टेशन भी आपका मदन महल आपको पता होगा। ओरछा पैलेस वाज बिल्ट बाई जहांगीर फॉर शेल्टर एंड राजा अमन पैलेस वाज बिल्ट बाई राजा अजयपाल इन अजय नगर अजयगढ़। आगे देखिए मेजर टॉम्स टॉम्स के बारे में देखें तो झांसी की रानी कहाँ है, ग्वालियर में। टॉम ऑफ झलकारी बाई की कहाँ है, ग्वालियर में। तानसेन की ग्वालियर में, इट इज़ अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। फिर आप बताओगे बैजू बावरा की कहाँ पे है, चंदेरी अशोकनगर में। आगे देखते हैं सिंहस्थ फेयर की बात करें तो हर 12 साल में सिंहस्थ फेयर कुंभ मेला आपका लगता है, कहाँ पे लगता है। तो आप बताओगे कि रिवर छिप्रा के तट पे लगता है। वेन सन इज इन स्कॉर्पियो एंड जुपिटर इज इन लियो, और सन जुपिटर एंड मून ऑल इन लिब्रा ड्यूरिंग वैसाख मंथ दिस सिंहस्थ कुंभ इज सेलिब्रेटेड एंड कंटिन्यूज फॉर 1 मंथ लास्टली सेलिब्रेटेड 21 अप्रैल से 22nd of May 2016। अब अगले 12 साल के बाद आपका बनाया जाएगा कहाँ पे, इसको महाकुंभ बोलते हैं उज्जैन में। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग, अगला आता है आपका मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस बताओगे आप कहाँ पे है ये, तो इट इज सिचुएटेड आउटसाइड ग्वालियर फोर्ट नियर द टॉम ऑफ तानसेन, ही वॉज अ ग्रेट सूफी सेंत। ठीक है फिर आगे देखते हैं हम लोग महारानी सांख्या राजे। तो इसके बाद इनके बारे में आप बताओगे कि शिवपुरी में है ये, बिल्ट बाई माधवराव सिंधिया इन द फॉर्म ऑफ गार्डन इन द लविंग मेमोरी ऑफ हिज मदर। टॉम ऑफ रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती की जो टॉम है वो है बरेला में 17 किलोमीटर जबलपुर से। सी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ गोंडा डायनेस्टी, सी कमिटेड सुसाइड वाइल डिफेंडिंग हरसेल्फ फ्रॉम मुगल आर्मी। टॉम ऑफ गिरधारी बाई मंडला में और मत्स्येंद्रा पीर उज्जैन में इनकी टॉम मिलेगी। बाजीराव पेशवा इनकी खरगोन में है, रवार खेड़ी में, रावर खेड़ी। नवाब हसन सिद्दीकी मार्बल बिल्डिंग सिचुएटेड इन भोपाल। अब्दुल्ला शाह चांगल टॉम ऑफ सल्तनत पीरियड सिचुएटेड इन धार, दिल्ली सल्तनत पीरियड के हैं ये। होसंग शाह इट इज़ लोकेटेड इन मांडू मध्य प्रदेश। द टॉम इज अ मार्बल कंस्ट्रक्शन ऑफ इन द ऑनर ऑफ होसंग शाह हु होल्ड्स सिग्निफिकेंट पोजिशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इट इज नोटेड दैट द टॉम कंस्ट्रक्टेड इन 15th सेंचुरी में इसे बनाया गया था, वॉज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल इम्प्रेस्ड शाहजहाँ एंड सो ही सेंट 4 ऑफ हिज आर्किटेक्ट बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल इंक्लूडिंग उस्ताद हामिद हु हैड अ ग्रेट एसोसिएशन विद द टीम हु कंस्ट्रक्टेड ताजमहल। वहाँ से इंस्पायर होके ताजमहल में वो कुछ कुछ स्ट्रक्चर से बनवाई थी। दिस मॉसोलियम इज द फर्स्ट मार्बल स्कल्पचर इन इंडिया एंड इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अफगान आर्किटेक्चर। तो आपसे पूछेगा कि फर्स्ट मार्बल स्ट्रक्चर इन इंडिया ऐसी कौन सी मॉसोलियम है, तो आप बता दोगे होसंग शाह वाली, कहाँ पे है, मांडू में। ठीक है अफगानी स्ट्रक्चर का, आर्किटेक्चर का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ये आपका। रानी रूपमती सारंगपुर डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर, माधव राव होलकर आलमपुर डिस्ट्रिक्ट भिंड में। टॉम ऑफ छत्रसाल कहाँ पे है ये, आप बताओगे धुवेला छत्रसाल, पॉपुलरली नोन एज शिवाजी ऑफ बुंदेलखंड वाज बॉर्न इन कछार कछनी, कब, 4th ऑफ मई 1649 में। चलिए और देखते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा, हम अब देखेंगे मेजर केप्स के बारे में। उदयगिरी की केप्स 20 केप्स सिचुएटेड इन विदिशा डिस्ट्रिक्ट। केव नंबर 1 और 20 इज रिलेटेड टू जैनिज्म, 1 और 20 जैनिज्म से रिलेटेड है उदयगिरी की।
और केव नंबर 5 नोन फॉर अ ह्यूज स्टैचू ऑफ वराहमिहिर, दिस केव्स आर गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड की ये वाली केव है। फिर है आपका भारत वृतहरि केव्स, टोटल 9 केव्स सिचुएटेड नियर द उज्जैन, अमंग विच ओनली 5 आर इन गुड कंडीशन। ठीक है, यह बता दोगे, दे वर बिल्ट बाई परमार रूलर्स इन द मेमोरी ऑफ राजा भृतहरि, इट्स मेजर फीचर इज द ब्यूटीफुल कलरफुल पेंटिंग्स। बाघ केव सिचुएटेड इन विंध्याचल रेंज, इंदौर झाबुआ रूट में ये पाई जाती हैं बाघ केव, बिलोंग टू गुप्ता पीरियड की बनी हुई ये केव्स हैं, डियर केव्स आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड आर कंसिडर्ड टू बी कंटेम्परेरी टू अजंता पेंटिंग्स, और इन्हीं कोई अजंता पेंटिंग्स के समकालीन या कंटेम्परेरी माना जाता है। 9 में से 5 ही बची हुई हैं, बाकी की बाकी आपकी डिस्ट्रक्ट हो चुकी हैं। आगे देखिए पंचमढ़ी केव्स, 4 केव्स आर द मेजर अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस हियर। फिर आपका मारा केव्स सीधी में हैं, केव्स बुद्धिस्ट एरा के बारे में बताती है। फिर आपका शंकराचार्य केव्स ओमकारेश्वर खंडवा, काजल रानी केव इज आल्सो सिचुएटेड अलॉन्ग साइड। भीमबेटका केव तो पता ही होगा आपको, भोपाल से 40 किलोमीटर में पाई जाती है, रायसेन के अब्दुल्लागंज में भीमबेटका है। देर आर 500 केव्स, द पेंटिंग टेल्स द स्टोरी ऑफ अर्ली लाइफ, केव्स आर रिलेटेड टू अगस्त्य ऑफ पांडवाज अज्ञातवास, अज्ञातवास जो मिला गया था किसको, पांडवों को, उसके बारे में बताती है भीमबेटका। आदमगढ़ कहाँ, होशंगाबाद में आपकी स्थित है, और इनके बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पे रीवा मंदसौर जबलपुर सीहोर ग्वालियर धार निमाड़ छिंदवाड़ा दमोह नरसिंहपुर, यहाँ पे आपकी कुछ रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं। द पिक्चर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स ह्यूमन वार्स हंटिंग राइडिंग वर्शिप ईटीसी आर कार्ड इन दीज केव्स इन विच वाइट ब्लैक रेड ब्लू एंड दीज कलर्स आर यूज। किन में, आदमगढ़ में जैसी गुफा पाई जा रही है, या जो भी रॉक आपकी शेल्टर्स की गुफाएँ हैं। सिहोरा केव्स, सिहोरा को केव्स के बारे में देखिए, सिचुएटेड इन अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। फिर आप बताओगे पहाड़गढ़ केव, तो 86 केव्स यहाँ पे मिली हैं आपको, कहाँ पे, पहाड़गढ़ में। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है आप बताओगे, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है और 12 माइल्स फ्रॉम पहाड़गढ़। दीज केव्स आर कंसिडर्ड कंटेम्प्रेरी टू भीम बेटका केव्स। फिर देखिए झिंझरी केव्स, झिंझरी केव्स के बारे में बताओगे कि ये ऑन जबलपुर रोड इन कटनी डिस्ट्रिक्ट, झिंझरी केव्स आर सिचुएटेड 3 किलोमीटर फ्रॉम कटनी। हेयर 14 ह्यूज फ्रॉग शेप रॉक्स आर फाउंड इन झिंझरी, मोर देन अ डजन कलरफुल पेंटिंग्स, बहुत सारी कलरफुल पेंटिंग्स वहाँ पे मिली हुई थी। अच्छा, ये पेंटिंग्स में कलर कैसे आ जाता था, क्योंकि उस समय कलर का तो इन्वेंशन हुआ नहीं था, कैसे आता था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको बताती रहनी है, नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए स्पेसिफिक संग्रहालय, टेम्पल्स एंड म्यूजियम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ पे है, तो आप बता दोगे ये आपका भोपाल में सिचुएटेड है। फिर आप आगे देखिए लक्ष्मी नारायण टेम्पल एंड म्यूजियम, दिस ब्यूटीफुल टेम्पल ऑन द एरिया हिल्स हैज अ म्यूजियम अटैच टू इट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आप बताओगे ये कहाँ पे है आपका, भोपाल में सिचुएटेड है, श्यामला हिल्स में। लक्ष्मी नारायण टेम्पल एंड म्यूजियम, इसके बारे में आप ये बताओगे कि ये आपके इसके जो कलेक्शंस हैं वो सीहोर रायसेन मंदसौर शहडोल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ सारे सारे पाए जाते हैं। फिर रीजनल साइंस सेंटर कहाँ पे है आप बताओगे, श्यामला हिल मतलब कि आपका भोपाल में ये भी सिचुएटेड है। फेयर्स की बात करें तो एवरी डे अप्रॉक्सीमेटली 1200 फेयर्स हमारे यहाँ लगते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ फेयर्स आर ऑर्गेनाइज इन उज्जैन, उज्जैन में सबसे ज़्यादा फेयर लगते हैं, और होशंगाबाद स्टैंड्स द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ फेयर, तो सबसे कम होशंगाबाद में लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए तो पीर बुधान फेयर ऑर्गेनाइज एवरी ईयर इंपॉर्टेंट है, हर साल मनाया जाता है, कहाँ पे, सनवारा ऑफ शिवपुरी इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, ये आपको याद रखना पड़ेगा। किसमें, किसकी मेमोरी में बनाया जाता है, मुस्लिम सेंट पीर बुधान, तो पीर बुधान फेयर शिवपुरी में होता है और हर साल होता है, इतना आपको याद रखना। तेजाजी फेयर ये कहाँ पे है यह बताओगे, भामाबाद गुना में पाया जाता है, तेजाजी फेयर भामाबाद गुना में इन द मंथ ऑफ भाद्रपद। फिर महामृत्युंजय का फेयर आपका कहाँ होता है, रीवा, और बसंत पंचमी महाशिवरात्रि में इसको लगाया जाता है। रामलीला फेयर ये भांडेर दतिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भांडेर दतिया इन द मंथ ऑफ माघ। चलिए, अच्छा, इट वाज आइदर स्टार्टेड बाई स्वामी पीताम्बरा दास और बाई कलेक्टर इनायतुल्ला, तो ये दो नाम इसको शुरू करने के लिए जाने जाते हैं, और दतिया में लगता है आपको याद रखना है। फिर देखिए आप चंडी देवी
चंडी देवी मेला, ये कहाँ लगता है चंडी देवी मेला, ऑर्गेनाइज एट द एंशियंट टेम्पल ऑफ भोगरा गांव इन सीधी डिस्ट्रिक्ट। तो चंडी देवी सीधी डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है। नोन फॉर द ब्लेसिंग ऑफ बीरबल एंड गॉडेस सरस्वती, बाबा साहब साहबुद्दीन औलिया एट नीमच इन फरवरी, कंटिन्यूस फॉर 4 डेज। फिर आप बताओगे कालू जी महाराज मेला एट पिपलिया खरगोन इन द मेमोरी ऑफ कालू जी हु वॉज नेफ्यू ऑफ सेंट सिंगाजी, सिंगाजी के नेफ्यू थे। फिर सेंट सिंगाजी मेला आप इनके बारे में बताओगे कि पिपलिया खरगोन में बनाया जाता है और कुमार मंथ पे और एक वीक के लिए ये मेला आयोजित होता है। फिर आपका हो गया मंधाता मेला अफेयर ऑफ 7 डेज ऑर्गेनाइज इन द मंथ ऑफ कार्तिक एवरी ईयर एट खंडवा में। फिर कुंडेश्वर मेला ऑर्गेनाइज एट कुंडेश्वर शिव टेम्पल टीकमगढ़ ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि मकर संक्रांति एंड बसंत पंचमी। फिर आप बताओगे किसके बारे में, सिद्ध बाबा मेला फेयर ऑफ एनिमल ऑर्गेनाइज एवरी ईयर इन बीजयपुर इंपॉर्टेंट, तो सिद्ध बाबा बीजयपुर और यहाँ पे एनिमल्स का मेला लगता है। फिर आपका हो गया रामजी बाबा मेला होशंगाबाद में, सनुका मेला ऑर्गेनाइज एवरी ईयर एट कार्तिक पूर्णिमा ऑन द बैंक ऑफ सिंधु रिवर, जोगेश्वरी देवी मेला एट चंदेरी अशोकनगर। फिर आपका गरीबनाथ बाबा का मेला कंटिन्यूस टू द वोल मंथ ऑफ चैत्र एट अवंतीपुर भरोदिया विलेज ऑफ साजापुर। फिर देखिए काना बाबा के मेले के बारे में आप बताओगे ऑर्गेनाइज एट सोडलपुर विलेज ऑफ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, इट इज 278 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन टू ऑर्गेनाइज दिस फेयर सिंस कान्हा बाबा डाइड इन 1714। फिर आप बताओगे धामोनी उर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दिस फेस्टिवल ऑफ 6 डेज ऑर्गेनाइज इन द मंथ ऑफ अप्रैल में एवरी ईयर एट सागर, तो धामोनी उर्स सागर में मनाया जाता है। नागाजी मेला ऑर्गेनाइज इन द मेमोरी ऑफ नागाजी सेंट ऑफ पोरसा विलेज ऑफ मोरेना, तो नागाजी मेला मोरेना। फिर आपका है हीरा भूमिया मेला ऑर्गेनाइज एट ग्वालियर गुना एंड अदर नियरली विलेजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द मेमोरी ऑफ सेंट हीरा भूमिया इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, अप्रॉक्सिमेटली 1000 ईयर ओल्ड फेयर इसको माना जाता है। अदर फेयर्स देख लो आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कहाँ मतलब ये लगते हैं, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो देखिए माँ घोघरा सियोनी, फिर आपका धूप देही हीरापुर, जल बिहारी मेला छतरपुर, चैती मेला भ्यावारा, बर्मन मेला नरसिंहपुर, रावतपुर सरकार फेयर लहरर भिंड और सोनागिरी मेला दतिया सेलिब्रेटेड इन चैत्र। चलिए अब देखिए आप थोड़ा सा, तो फेयर के नेम जैसे आपका बाबा गरीबनाथ है, टाइम पीरियड तो वोल चैत्र मंथ मार्च अप्रैल, प्लेस अवंतीपुर बादोदिया यानी कि साजापुर में। फिर आपका नागाजी वोल अगहन मंथ नवंबर दिसंबर में पोसा विलेज ऑफ मोरेना, बर्मन के बारे में आपने देखा था ना, ये नरसिंहपुर में बनता है, पूस में 13 दिन चलता है मतलब कि जनवरी मंथ में। फिर आपका आ गया कुंडेश्वर एवरी ईयर शिवरात्रि महाशिवरात्रि बसंत पंचमी शिव टेम्पल टीकमगढ़ में। तेजा जी के बारे में आप बताओगे, सबसे पहली बात तो ये गुना में कहाँ पे भामाबाद विलेज में और ये पूरा का पूरा भाद्रपद मंथ में चलता है। सिंगा जी तो कुमार में मतलब कि अगस्त सितंबर के मंथ में और ग्राम पिपलिया खरगोन में लगता है। जोगेश्वरी चैत्र मंथ चंदेरी अशोकनगर में, सिंहस्थ 12 साल में एक बार उज्जैन में। इसके बाद बताओगे हीरा भूमिया इन भाद्रपद मंथ डिफरेंट डेट्स तिथि ग्वालियर एंड गुना, सोडलपुर हरदा में लगता है आपका कान्हा बाबा ऑन शिवरात्रि एंड गुरु पूर्णिमा। फिर आपका बादोनी ये लगता है बादोनी दतिया में शिवरात्रि और गुरु पूर्णिमा को, महामृत्युंजय रीवा में बसंत पंचमी शिवरात्रि में। फिर आपका आ गया सनकुआ में आप बताओगे कार्तिक पूर्णिमा अप टू 15 डेज होशंगाबाद। फिर रामजी बाबा 7 डेज फेयर इन कार्तिक मंथ और बताओगे आपकी कहाँ पे खंडवा में मनाया जाता है, कालू जी महाराज पिपलिया खरगोन में। फिर अमरकंटक ऑन शिवरात्रि अमरकंटक, जल बिहारी 10 डेज फेयर कहाँ पे छतरपुर में अक्टूबर मंथ में। फिर आपका सोनागिर चैत्र मंथ एकम टू पंचमी मतलब 5 दिन कहाँ पे सोनागिरी दतिया में, शारदा माँ का मैहर सतना जिला में। फिर माँ घोघरा ऑन शिवरात्रि 15 डेज का फेयर कहाँ पे लगता है ये आप बता दो, सियोनी डिस्ट्रिक्ट भैरवनाथ में, भांडेर दतिया में रामलीला माघ मास में पूरा का पूरा लगता है आपका। फिर देखिए आप रावतपुरा लहर भिंड में, रतनगढ़ दीपावली के टाइम में कहाँ पे रतनगढ़ दतिया में, चंडी देवी कहाँ पे था आप बताओगे, चंडी देवी वाला सीधी में था। फिर देखिए पीरबुदान शिवपुरी में, धामोनी और सागर में,
उर्सा बाबा नीमच में, साउद्दीन औलिया। फिर आपका बेदनी फेयर कहाँ पे लगता है आप बताओगे, करीला बुंदेलखंड में। पूनम फेयर कहाँ पे लगता है, जाना पाव कुटी महो मतलब कि इंदौर में। सबरी कुंभ अमरकंटक अनिपुर, और उन्नान फेयर आपका बालाजी टेम्पल दतिया में, ये सारे सारे आपके मनाए जाते हैं। चलिए फिर देखिए आप मेजर हिंदू रिलीजियस साइट्स, उनमें सबसे पहले आता है आपका कि नेमावर, रुद्रिजा, ओमकारेश्वर, भोजपुर और नोहता। तो नेमवार ये हिंदू साइट है आपको याद रखना है, और नर्मदा नदी के किनारे देवास डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फिर आप बताओगे रुद्रिजा के बारे में, ये एक आपका पवित्र प्लेस है जो कि तेजा जी महाराज से रिलेटेड है, और ये बदनगर में पाया जाता है। फिर आप बताओगे ओमकारेश्वर के बारे में, तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग आपकी यहाँ पे है, और ओम यहाँ पे सिचुएटेड, ओम आकार यहाँ पे बनता है नर्मदा नदी के किनारे। दो ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में है, पहला तो आपका हो गया ओंकारेश्वर, दूसरा उज्जैन में। भोजपुर ये भोपाल में स्थित है आप बताओगे, और राजा भोज इसको बनवाए थे। नोहता आप बताओगे संगम में कहाँ पे है, ये गुरहया या बेरसर नदी किनारे स्थित है, और ये कैपिटल ऑफ चंदेला हुआ करती थी। फिर आप देखिए अच्छा यहाँ पे जैन और शिवा टेम्पल स्थित हैं। फिर आप बताओगे दादाजी दरबार, तो समाधि ऑफ ग्रेट सेंट दादाजी इन खंडवा, खंडवा में है, और ग्रेट सेंट आपके दादा संत दादाजी की समाधि पर इसको बनाया गया। फिर आप बताओगे कामतगिरी, ये सतना जिला में स्थित है चित्रकूट में, और नालखेड़ा पीठ ये रिलीजियस साइट है हिंदूज की, और ये है आपका आगर मालवा में। आगे देखते हैं, फिर आपका आता है पीतम्बरा पीठ, ये रिलीजियस साइट है हिंदू की, और दतिया में ये स्थित है। सिंपल सा आपको ये बताना है बस। फिर आगे देखिए रिलीजियस साइट्स ऑफ एमपी, तो इसमें आपको पहले मिलेगा भवंगाजा और पिसान हरी की मड़िया, ये आपकी 72 फीट की हाई स्टैचू है लॉर्ड आदिनाथ की, और ये है कहाँ बरवानी में, कौन सी हिल्स में, 52 गजा। ठीक है 52 गजा हो गया आपका। दूसरा है आपका पिसान हरी की मड़िया, ये है आपका जबलपुर के पास स्थित है, और ये जैन टेम्पल है, 600 ईयर पुराना इसको माना जाता है। चलिए फिर आप देखिए प्लेसेस रिलेटेड टू सिख रिलीजन, तो सिख रिलीजन के बारे में आप बताओगे आनंदपुर साहिब, ये आपका ईसारगर अशोकनगर में है, और बंदी छोट गुरुद्वारा ये आपका कहाँ पे है आप ये बताओगे इसके बारे में, ये ग्वालियर में स्थित है। सिंपल सा छठवें गुरु हरगोविंद सिंह वाज प्रेजेंट हियर बाय मुगल एम्परर जहांगीर, जहांगीर ने हरगोविंद जी को यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ था। फिर आपका इमली बाजार गुरुद्वारा, ये इंदौर में है, फर्स्ट गुरु जो आपके थे कौन से, नुनुक, वो यहाँ पे आए हुए थे इंदौर में। फिर आपका बाड़ी संगत गुरुद्वारा, ये आपका बुरहानपुर, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे आए हुए थे। और भाई वाला संधु गुरुद्वारा, ये आपका शिवपुरी में है। ओंकारेश्वर साहिब डिस्ट्रिक्ट खंडवा में स्थित है। चर्चों की बात करें तो कैथेड्रल चर्च जबलपुर में है, 1880 में बनाया गया था, रेड चर्च इंदौर में है, व्हाइट चर्च इंदौर में, और पचमढ़ी चर्च 1875 में बनाया गया था, पचमढ़ी में स्थित है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट मंदिरों के बारे में देखते हैं हम लोग। पहले है आपका मंगलनाथ टेम्पल, तो ये आपको मिलेगा उज्जैन में, और यहाँ पे अर्थ का सेंटर माना जाता है। गोपाल टेम्पल आपको मिलेगा यहाँ पे, ऐसी मान्यताएं हैं कि आपका हरि और शिवा दोनों एक बार साल में आके मिलते हैं। महाकाल टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में है, एक ओंकारेश्वर में, दूसरी आपकी उज्जैन में, तो ये वही टेम्पल है जहाँ पे ये पाई जाती है। फिर अगला शारदा टेम्पल, ये आपका माँ शारदा के लिए फेमस है, और कहाँ पे है, मैहर में स्थित है। यहाँ का आला उदल भी फेमस है। पशुपतिनाथ टेम्पल मंदसौर में है, भगवान शंकर का ये मंदिर है, और यहाँ पे सिवना रिवर फ्लो करती है। बाबा बैजनाथ टेम्पल, ये आपको मिलेगा आगर मालवा में। सन टेम्पल, दो आपके फेमस सन टेम्पल हैं, सन टेम्पल लासर ग्वालियर वाला, और सन टेम्पल रहेली सागर वाला, जो कि सुनैर रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। गौरी सोमनाथ टेम्पल, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये ओंकारेश्वर टेम्पल के आसपास ही स्थित है। फिर आप बताओ, अच्छा इसी को मामा भांजा टेम्पल भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। गौरी सोमनाथ टेम्पल, मामा भांजा टेम्पल, ओंकारेश्वर। फिर लक्ष्मीनारायण टेम्पल को ओरछा में बनाया गया था, ये आपको याद रखना है, और इसका जो निर्माण है वो 1622 1622 के आसपास माना जाता है।
अच्छा कौन बनवाया था? वीर सिंह देव, आप बताओगे। और जो इसकी पेंटिंग है वो 17-19 सेंचुरीज के आसपास बनाई गई थी। ठीक है, फिर देखिए गोलकी मठ जबलपुर पर स्थित है, और 64 योगिनी टेम्पल भी इसको बोलते हैं। और इसके बारे में आपको याद रखना है कि कलछुरी वंश के जो शासक थे वो इससे रिलेटेड हैं, और दुर्गा देवी यहाँ की डीटी है। कांच मंदिर, कांच मंदिर आपका इंदौर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में याद रखना है हुकुम चंद्र आपका कांच टेम्पल से संबंधित है। अगला देखिए कर्णेश्वर महादेव मंदिर, तो ये आपका बना हुआ है इंदौर बैतूल हाईवे में। भोजपुर शिव टेम्पल, राजा भोज बनवाए थे, बेतवारी वर के बैंक पे ये है। यहाँ पे दलिंगा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट आइडोल, भोजपुर शिव टेम्पल के बारे में आपको याद रखना है। एक महागलेश्वर मंदिर पृथ्वीराज चौहान मूल द टेम्पल लॉर्ड शिवा, कहाँ पे? आपका 1175 में। फिर आप बताओगे ओंकारेश्वर महामलेश्वर टेम्पल वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा ऑफ लॉर्ड शिवा, तो और ओम से यहाँ पे बनता है हिंदुइज्म का। इसके अलावा जो उज्जैन में था ज्योतिर्लिंग, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं, फेमस वाटरफॉल चचाई वाटरफॉल आपका कहाँ पे है? तो आप बताओगे रीवा में बीहड़ नदी पे ये स्थित है। और ये हाईएस्ट वाटरफॉल है आपका, हाईएस्ट कहाँ का? एमपी का। फिर आप बताओगे कियोती बहुरी वाटरफॉल, ये कहाँ पे है आपका? चचाई वाटरफॉल के आसपास ही महाना रिवर में। फिर धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा नदी में है, ये 15 मीटर का वाटरफॉल है भेड़ाघाट जबलपुर में, और इसमें मार्बल रॉक पाई जाती है। फिर आपका कपिल धारा और दुग्ध धारा वाटरफॉल, ये भी आपका अमरकंटक नर्मदा में 24 मीटर हाई कपिल धारा वाटरफॉल, ये आपको याद रखना है। अच्छा इट ऑल्सो फॉर्म्स टू वाटरफॉल पंधार एट मर्जर ऑफ नर्मदा एंड तवा एंड दर्दी बिटवीन हार्दिया बारवा वाटरफॉल 8 मीटर नियर द मलेश्वर। फिर चुलिया चंबल रिवर में है आपका 18 मीटर वाटरफॉल बैंस मंदसौर में। फिर आप कुछ फेमस टेम्पल के बारे में देखते हैं, तो आदिनाथ टेम्पल खजुराहो में है, अहिलेश्वर टेम्पल आपका महेश्वर नियर इंदौर में है। फिर आपका बांधवगढ़ टेम्पल कहाँ पे है? ये फोर्ट भी है यहाँ पे, रिमेंस 18 सेंचुरी से है ये शहडोल में। फिर आपका है भारा माजू टेम्पल उन्नाव नियर झांसी। बतेश्वरा महादेव टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बतेश्वरा नियर मुरैना। फिर आप बताओगे कि वृद्ध कलेश्वर कहाँ पे है? उज्जैन में। ब्रह्मा विष्णु टेम्पल खजुराहो में। केव टेम्पल उदयगिरी एंड विदिशा। विश्वनाथ टेम्पल खजुराहो। चतुर्भुज टेम्पल ग्वालियर। चतुर्भुज टेम्पल खजुराहो। फिर 64 योगिनी टेम्पल खजुराहो। 64 योगिनी टेम्पल मंदसौर और जबलपुर वाला, मंदापुर जबलपुर वाला। फिर आपका चित्रगुप्त टेम्पल खजुराहो। देवगढ़ हिल जैन टेम्पल एट देवगढ़ नियर चंदेरी। देवाजी टेम्पल देवास उज्जैन। फिर आपका झूला देव टेम्पल खजुराहो। गोपाल मंदिर एट उज्जैन। अच्छा ये एक लिस्ट है पूरे के पूरे आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स हैं वो दे रखे हैं। इसको आपको करना क्या है, गो थ्रू हो जाना है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हमें पीडीएफ डाल देंगे। ये जो आपके इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं इसकी एक लिस्ट है, इसको आपको खुद से रीड कर लेना है। जैसे आपका नवग्रह टेम्पल उज्जैन में है, फिर आपका नीलकांत पैलेस टेम्पल कहाँ पे है? मांडू नियर इंदौर है। फिर आपका पार्वती टेम्पल खजुराहो में है, पार्श्वनाथ टेम्पल खजुराहो में है, ओंकारेश्वर टेम्पल इंदौर में है, सास बहू वाला कुछ तो हमने पहले ही डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो ये एक लिस्ट है, इसको आपको देख लेना है। इसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि आपका फाइट विथ फायर एरोज, ये आपको याद रखना है कि हिंगोट फेयर जो कि गौतमपुरा हथौद डिस्ट्रिक्ट इंदौर में लगता है वहाँ से संबंधित है। यहाँ पे बुल फाइट होती है। इन उज्जैन द फेमस जंतर मंतर वाज बिल्ट बाई किंग जयसिंह ऑफ जयपुर इन द ईयर ऑफ 1733। द ओशियन ऑफ स्टोन गॉट GOT थ्रोइंग वन ऑन वन अनादर इज नोन एज गोटमार फेयर, जो कि पंदुरना छिंदवाड़ा में होता है। तो गोटमार फेयर कहाँ होता है? छिंदवाड़ा में। वरामिर ऑब्जर्वेटरी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स वेधशाला इज लोकेटेड एट डोंगला माहितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उज्जैन। तो इसके साथ आज का लेक्चर आपका ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने पूरी तरीके से जो भी आपके फेयर होते हैं, मंदिर हैं, और इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने देखे हुए हैं, और सेम ऐसे ही आपको लेक्चर्स मिलेंगे किसके, एमपी जीके के। और लगभग 40 से 42 वीडियो में आपका पूरा का पूरा एमपी जीके कवर हो जाएगा इंग्लिश मीडियम का,
और ये प्री लेवल को टच करता हुआ पूरी तरीके से मेंस का भी थोड़ा मोड़ा देखिए, क्योंकि मेंस में भी आपको फैक्ट तो लिखना ही पड़ता है। तो आप कवर करिए, करना क्या है आपको, सिंपल सा कि रिवीजन बढ़ाना है, प्रैक्टिस बढ़ानी है, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, लेक्चर्स को 2 से 3 बार आप देख सकते हैं 1.5x की स्पीड में, जो कि सेम चीज़ जब आप आइडियो विजुअल इफेक्ट 2 से 3 बार पढ़ता है तो मैट्रिक्स फॉर्म होते हैं, और प्रैक्टिस करना है, हार बिल्कुल भी नहीं माननी है, जब तक निकल नहीं जाए तो बस लगे रहना है। इस दरिया को आप सिर्फ और सिर्फ डूब के ही पार हो सकते हो और कुछ नहीं। प्रीलिम्स का सिलेबस टफ होता जा रहा है, स्क्रीनिंग राउंड हो गया है आपका, निकल ही नहीं रहा, लिटरली पैटर्न बदल रहा है, टफनेस बढ़ रही है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रैक्टिस करो खूब सारा, ठीक है। मेंस भी साथ में लेके चलिए, प्री को भी आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।